चलिए तो हम लोग जनवरी, फरवरी और मार्च के जो महत्वपूर्ण दिन हैं, जिस रूप में मनाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, आज बात करेंगे हम लोग अप्रैल महीने के जो महत्वपूर्ण दिन और दिवस हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। एक बात याद रखिए, इसमें केवल हम लोग स्थायी आंकड़े देखेंगे, जो अगर आप 1-2 साल बाद भी देखेंगे तो आपके लिए स्थायी रहेंगे। इसकी जो थीम रहेगी वो हर साल बदलती रहती है, कई की आप देखेंगे थीम क्या रहती है, बदलती रहती है। तो जब हम लोग करेंट अफेयर्स कवर करते हैं तो उसमें आपकी इन थीमों को पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें अपडेट होते रहेंगे आप लोग। ये केवल स्थायी आंकड़े हैं, इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, और फिर चाहे आप वन डे एग्जाम की बात करिए, SSC, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्ती, दरोगा, या फिर आप देखते हैं स्टेट PCS प्रीलिम्स और UPSC प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कई बार। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि भारतीय नववर्ष कब मनाया जाता है, भारतीय नववर्ष कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? 1 अप्रैल। क्या? 1 अप्रैल। और अगर देखिए, 1 अप्रैल को ही आप देखेंगे उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है, उड़ीसा स्थापना दिवस। 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर उड़ीसा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस उड़ीसा में उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को एक अलग प्रांत के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। ध्यान दें कि 9 नवंबर 2010 को भारतीय संसद में उड़ीसा को उड़ीसा और उड़िया भाषा को उड़िया भाषा में मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, और याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस, ये भी आपका 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। 1 अप्रैल को आपका मूर्खता दिवस एक तरह से मनाया जाता है। ठीक है, और एक बात और इसमें याद रखिए, 1 अप्रैल को ही भारतीय बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी भी मनाया जाता है। तो आपके 4 दिवस हो गए 1 तारीख को, 1 अप्रैल को। कौन कौन से? भारत नववर्ष, उड़ीसा स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस और भारतीय बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी। ठीक है, और याद रखिए जो पहला सप्ताह होता है अप्रैल का, उसे आप लोग ब्लाइंडनेस की रोकथाम सप्ताह के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, इन पॉइंटों को बड़े अच्छे से ध्यान से सुन लिया करिएगा। अब आता है 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय ऑटिज्म जागरूकता दिवस संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा मनाया जाता है। उद्देश्य ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को सशक्त बनाना, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में विश्व ऑटिज्म दिवस मनाने का फैसला किया था। ऑटिज्म में एक दिमाग संबंधी बीमारी है, जिसमें व्यक्ति स्वयं के ख्यालों में खोया रहता है, व पीड़ित को मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं तथा पीड़ित का विकास सामान्य नहीं हो पाता है। न्यूरो सिस्टम पर भी बुरा असर देखने को मिलता है इस बीमारी में आपको। ठीक है, इसके बारे में भी बड़े अच्छे से याद रख लीजिए। चलें आगे चलते हैं। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच मनाया जाता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच मनाया जाता है। क्या? हिंदी रंगमंच मनाया जाता है 3 अप्रैल को। 4 अप्रैल खाने जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को क्या मनाते हैं आप लोग? अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, खाद्यान्न भी एक तरह से कहिए। पर आपसे पूछे 5 अप्रैल, तो राष्ट्रीय मॉरीटाइम नौवहन दिवस, राष्ट्रीय मॉरीटाइम दिवस कब मनाते हैं? तो ये याद रखिए, ये मनाते हैं 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है, और समता दिवस भी 5 अप्रैल को ही मनाया जाता है। समता दिवस 5 अप्रैल को ही मनाते हैं, सामुदायिक दिवस, समता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस। ठीक है, ये भी 5 ही अप्रैल को है, 5 को। फिर आपका 6 अप्रैल आता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को
अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। हर साल 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विकास तथा शांति की भावना को प्रोत्साहन करने के लिए विश्व खेल दिवस प्रस्तावित किया था। यह प्रस्ताव 23 अगस्त 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की संकल्प 67-296 द्वारा बनाया गया था। ध्यान दें कि 6 अप्रैल 1896 को आधुनिक युग के प्रथम ओलंपिक खेल एंथिक्स ग्रीस का उद्घाटन समारोह मनाया गया था, इसीलिए आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल के दिवस के रूप में मनाते हैं। और 6 अप्रैल को ही आप देखेंगे कि दांडी सत्याग्रह दिवस मनाया जाता है, और ग्राम स्वराज दिवस भी आपका 6 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, और उसमें फिर आप देखेंगे दांडी सत्याग्रह दिवस और ग्राम स्वराज दिवस, ये तीनों आपके 6 अप्रैल को मनाए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, आप जानते हैं 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, WHO की। तो आप देखेंगे उसी की याद में एक तरह से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखिए, महिला चिकित्सा दिवस भी आप लोग 7 ही अप्रैल को मनाते हैं। 7 ही अप्रैल को आप लोग महिला चिकित्सा दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन आपको बता दूं एक सामान्य जानकारी के लिए, क्योंकि कई बार पूछ लेता है, अगर आपसे भी पूछे तो आप भी बता सकते हैं कि 9 अप्रैल को पराक्रम दिवस या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में मनाया जाता है, पराक्रम दिवस के रूप में 9 अप्रैल। फिर आता है आपका 10 अप्रैल, होम्योपैथिक दिवस, होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाते हैं 10 अप्रैल को। हर साल 10 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों को जागरूक करना जर्मनी के होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन में मनाया जाता है। यह उपचार दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम है। शरीर की अपनी चिकित्सा शक्ति उत्तेजक द्वारा उपचार के एक अनूठी तरीका का यह चिकित्सा प्रणाली उपयोग करती है आपकी, ठीक है। तो 10 अप्रैल आपका होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाते हैं, और 10 अप्रैल को याद रखिए जल संसाधन दिवस के रूप में मनाते हैं आप लोग। 10 अप्रैल को ही जल संसाधन दिवस के रूप में भी आप लोग मनाते हैं, इसे भी याद रखिए, ठीक है। फिर आता है आपका 11 अप्रैल, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं हम लोग 11 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए उचित स्वास्थ्य और मातृत्व सुविधा के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के बीच एनीमिया को कम करने के लिए एक बेहतर पेशापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि एक तरह से महिलाओं के प्रति जागरूक रहे कि मतलब इन्हें जो भी वो अच्छा है या जो भी प्रेग्नेंट महिला है उनकी देखभाल करने के लिए एक तरह से उन्हीं के लिए मनाया जाता है। याद रखें नेशनल पेट डे भी मनाते हैं, नेशनल पेट डे आपका 11 अप्रैल को ही मनाते हैं आप। ठीक, फिर आता है 12 अप्रैल, विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस 12 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस को मनाते हैं 12 अप्रैल। विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने बोस्तोक 1 अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष में पहले मानव उड़ान को यादगार करने के लिए मनाया जाता है। याद रखिए पहले हम लोग जिसे आज रूस कहते हैं ना, इसे आप पहले सोवियत संघ रूस कहते थे, ठीक है, सोवियत संघ। तो उसमें से आपने देखा है 1991 में ये विघटन हो जाता है इसका और रूस अलग हो जाता है, और इससे जो भी इसमें शामिल थे सोवियत संघ में वो देश अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो आप 12 अप्रैल को देखेंगे विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में मनाते हैं, और 12 अप्रैल को ही स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका 13 अप्रैल, 13 अप्रैल को मालूम होना चाहिए जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाते हैं। 13 अप्रैल को हम लोग
जलियावाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आपने देखा था ना जलियावाली जो घटना घटी थी 1919 में, अप्रैल 1919 में जो गोलियां चलाई गई थी उसी की याद में, उन्हीं लोगों की याद में एक तरह से। और बैसाखी के रूप में भी मनाते हैं 11 अप्रैल को, सॉरी 13 अप्रैल को। ठीक है, खालसा पंथ के रूप में भी आप लोग मनाते हैं 13 अप्रैल को। तो ये था 13 अप्रैल आपका। फिर आता है 14 अप्रैल, अग्निशमन दिवस, सेवा दिवस। ये आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक बात और आपको मालूम होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती भी आपकी 14 अप्रैल को ही मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती आपकी 14 अप्रैल को ही मनाई जाती है। संविधान के पिता, पूरा संविधान आप देख रहे हैं कि इन्हीं ने ही लिखा है। कानून मंत्री थे अपने पहले, समझ रहे? 14 अप्रैल को आप अग्निशमन दिवस के रूप में भी मनाते हैं और आप भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती भी मनाते हैं। फिर आपका 15 अप्रैल, तो आप जानते हैं गुरु नानक का जन्मदिवस भी मनाते हैं हम लोग, और 15 अप्रैल को आप हिमाचल प्रदेश के दिवस भी मनाते हैं। क्या? हिमाचल दिवस। 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी और तत्पश्चात हिमालय हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2000 वर्ष यानी कि 25 जनवरी 1950 को गास्रेणी का दर्जा दिया गया था। फिर 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा की गई थी और एक वर्ष यानी कि वर्ष 1966 को पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। संसद के द्वारा वर्ष 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ थे और भारत का 18वां राज्य का दर्जा भी हिमाचल प्रदेश को मिल चुका था। ठीक है, तो 15 अप्रैल को आप लोग हिमाचल प्रदेश हिमाचल दिवस के रूप में भी मनाते हैं इसे। ठीक, 15 अप्रैल को ही आप लोग दक्षिण पश्चिम कमान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी कमान भारतीय सेना की 7वीं और सबसे कम उम्र की कमान है। इसका नाम सप्त सती है, आदर्श वाक्य हमेशा भी है। दक्षिण पश्चिमी कमान 15 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान राज्य में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिए 16 अप्रैल को आप लोग वैसे याद रख लीजिए, पूछा जाए तो अगर बता देना। 16 अप्रैल को आप महावीर जयंती भी मनाते हैं और भारतीय रेल परिवहन दिवस भी मनाते हैं। भारतीय रेल परिवहन दिवस भी आप लोग 16 अप्रैल को मनाते हैं। कब? 16 अप्रैल को। तो 2 दिवस 16 अप्रैल को मनाए जाते हैं आपके, भारतीय रेल परिवहन दिवस और महावीर जयंती। 17 अप्रैल सर्वपल्ली राधा कृष्ण स्मृति दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ठीक है, एक बात याद रखिए क्योंकि इसमें वही आपके शामिल किए गए हैं जो पूछे जा चुके हैं, तो कुछ छूट जाते हैं पीडीएफ में, तो जो मुझे याद आते हैं तो उन्हें भी हमने शामिल करवा दिया। तो सर्वपल्ली राधा कृष्ण स्मृति दिवस मनाया जाता है और 17 अप्रैल को ही तात्या टोपे स्मृति दिवस मनाते हैं और 17 अप्रैल को ही आप लोग विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। फिर आता है 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व धरोहर या विश्व विरासत दिवस के रूप में आप लोग मनाते हैं 18 अप्रैल को। ठीक है, कब? 18 अप्रैल को। प्रति वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस आयोजित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समुदाय में सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद द्वारा 18 अप्रैल 1982 को विश्व विरासत दिवस आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। और ध्यान दें कि 1964 में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद की स्थापना वेनिस चार्टर के सिद्धांतों पर की गई थी। ठीक है,
फिर आपका 19 अप्रैल आता है, इस दिन आप देखेंगे विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। कब? 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे, समझ रहे हैं? विश्व यकृत दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। मानव शरीर में यकृत यानी कि लीवर के महत्व और यकृत रोगों के उपचार के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से विश्व यकृत दिवस आयोजित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार यकृत रोग हिंदुस्तान में मृत्यु के 10वें सबसे सामान्य कारणों में से एक है। समझ रहे हैं, भारत की बात कर रहा हूं। और 19 अप्रैल को ही आप देखेंगे कि भारत द्वारा उपग्रह क्षेत्र में प्रवेश दिवस मनाया जाता है। आप 1975 में देखते हैं ना, ठीक है, भारतीय भारत द्वारा उपग्रह क्षेत्र में सैटेलाइट क्षेत्र में प्रवेश दिवस, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेते हैं। फिर अगर आपसे पूछे 20 अप्रैल के रूप में पूछे अगर कि 20 डॉक्टर हैनीमैन जन्मदिवस मनाया जाता है, डॉक्टर हैनीमैन दिवस आपका 20 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, सिविल सर्विस दिवस 21 अप्रैल को आपका सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल 2018 को 12वीं सिविल सर्विस, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, बस आपको रखना है याद 21 अप्रैल को सिविल सेवक दिवस यानी कि सिविल सर्विस दिवस मनाते हैं। आप में से कई लोग तैयारी भी कर रहे होंगे इसकी। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मैट काफ हाउस नई दिल्ली में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल में पहले बैच को संबोधित करने के उपलक्ष्य पर सिविल सेवा दिवस हर साल मनाया जाता है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 3 श्रेणियों में भी प्रस्तुत किया जाता है सिविल सेवा दिवस के उपलक्ष्य पर, ठीक है। और 21 अप्रैल को ही आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय रचनात्मकता और अभिनव दिवस मनाया जाता है, ये भी आपका 21 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय रचनात्मकता और अभिनव दिवस मनाया जाता है। यह दिवस आवश्यक नवाचार के लिए राष्ट्रों को क्षमता का उपयोग करने के लिए सजग करता है और वह अभिनव रचनात्मकता और उद्यमिता को जरूरी आर्थिक विकास और नौकरी निर्माण के लिए सूचीबद्ध भी करता है आपका। 21 अप्रैल, कौन सा? 21 अप्रैल, ठीक है। फिर आता है आपका 22 अप्रैल, तो आप देखेंगे विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग। हर साल आप देखेंगे कि 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जनता को पृथ्वी को लाभान्वित करने वाले क्रियान्वयन के लिए सजग करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है जनता को। ध्यान दें कि 1970 में प्रथम पृथ्वी दिवस मनाया गया और जबकि वर्ष 2016 में पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक पेरिस समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस कम करने हेतु एक तरह से समझौता हुआ था पृथ्वी दिवस, कब? 22 अप्रैल को। फिर 23 अप्रैल आता है अंग्रेजी भाषा दिवस। 23 अप्रैल को आप देखेंगे अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस और विश्व अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को विश्व भर में आयोजित किया जाता है। यह दिवस सर्वेंटेस टेस शेक्सपियर और इंका गार्सिलासो डी ला बेगा 23 अप्रैल 1616 को मृत्यु के बाद से मनाया जाता है। पेरिस में आयोजित वर्ष 1995 में यूनेस्को के जनरल सम्मेलन में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में भी चिन्हित किया गया। तो याद रखें अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को ही, विश्व पुस्तक दिवस भी आपका 23 अप्रैल को ही और कॉपीराइट दिवस भी आपका 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और याद रखिए एक और मनाया जाता है, मानव एकता दिवस भी आपका 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ठीक है। फिर 24 अप्रैल आता है, तो आप देखेंगे 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती दिवस आप समझ रहे हैं आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसके बारे में भी याद रखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को ही आप देखेंगे विश्व लैब पर्यावरण
पशु दिवस भी मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 24 अप्रैल 2018 को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1979 में ब्रिटिश नेशनल एंट्री विविसेक्शन सोसाइटी ने प्रयोगशाला पशु के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया गया था। यह दिवस ब्रिटिश नेशनल एंटी विविसेक्शन सोसाइटी के पहले अध्यक्ष ह्यूग डाउडिंग के जन्मदिन दिवस के रूप में यादगार मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से प्रयोगशालाओं में पशुओं की विधि विस्तारण को रोकने के लिए यह दिवस आयोजित किया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल। आप देखेंगे 25 अप्रैल आपसे पूछे तो आप जानते हैं कि विश्व मलेरिया दिवस के रूप में 25 अप्रैल को मनाते हैं, विश्व मलेरिया दिवस के रूप में आप लोग। और याद रखना विश्व पशु चिकित्सा दिवस भी आप लोग 25 अप्रैल को ही मनाते हैं। 26 अप्रैल की आपसे पूछे तो विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपका 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को ही। और एक और 26 अप्रैल को मनाते हैं चेरनोबिल दिवस, चेरनोबिल दिवस ये भी आप देखेंगे कि 26 अप्रैल को ही मनाया जाता है, 26 अप्रैल। आगे चले हम लोग, फिर आता है 27 अप्रैल को छोड़ देते हैं, इस दिन मुझे नहीं लगता है कि कोई दिवस मनाया जाता है, और फिर भी मनाए जाते होंगे क्योंकि आप देखते हैं कि कोई ऐसा दिवस नहीं है जो ना मनाया जाता हो। 365 दिन ही मनाते हैं हमारे यहाँ, तो अगर आपको याद हो कोई तो आप लिख सकते हैं नीचे। लेकिन 28 अप्रैल की बता देता हूँ, काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है 28 अप्रैल को। अगर आपसे पूछे 29 अप्रैल की, तो 29 अप्रैल आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अप्रैल आपका अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे के रूप में मनाते हैं हम लोग 29 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। और अप्रैल का अंतिम शनिवार आप देखेंगे विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, अप्रैल का अंतिम शनिवार। अब जिस डेट को भी पढ़े, ठीक है, तो ये थे आपके अप्रैल महीने की कुछ महत्वपूर्ण डे जो मुझे लगा कि आ सकते हैं पेपर में। चलिए तो हम लोग मिलते हैं आगे मई, यानी कि मई के महीने देखेंगे जिसमें महीने में जो भी दिवस होंगे महत्वपूर्ण, एक तरह से आपके स्थायी आंकड़े हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें आप लोग मुझे लगता है कि आते रहते हैं, कई बार आप देखेंगे प्रीलिम्स में आपके पूछ लेते हैं सही सम्मिलित करने के लिए, और आपके वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाता है। ठीक है,